क्रिकेट फैंस के इंतजार की घड़ी अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ यानी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज कल से होने जा रहा है। बता दें कि टूर्नामेंट का पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस वर्ल्ड कप में कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके शानदार प्रदर्शन का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया की नजरें इन चुनिंदे बल्लेबाजों पर टिकी हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है वो बल्लेबाज जिनकी शानदार प्रदर्शन देखने को दुनिया है बेताब। बता दें कि पिछले वर्ल्ड कप के हीरो रोहित शर्मा इस बार भी कमाल कर सकते हैं। इंग्लैंड में खेले गए 2019 वर्ल्ड कप में रोहित ने 5 शतक लगाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इस बार भी रोहित के बल्ले से शतकों की झड़ी लग सकती है। रोहित ने वर्ल्ड कप से पहले ही जाहिर कर दिया है कि वह आक्रमण अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। ऐसे में हर कोई उनकी बल्लेबाजी देखने को एक्साइटेड है। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और सीनियर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का भी नाम इसमें शामिल है। उनके लिए ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। वर्ल्ड कप में 3 नंबर पर वो बल्लेबाजी करेंगे। पिछले 2 वर्ल्ड कप में स्मिथ की अहम भूमिका रही है। इस बार विश्व कप भारत में खेला जा रहा है, तो ऐसे में स्मिथ की जरूरत टीम को और भी ज्यादा थी। स्मिथ भारतीय पिचों पर आसानी से रन बनाने में माहिर है, वही तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर्स को भी आसानी से खेल लेते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे वर्ल्ड कप में हर किसी की नजरें स्मिथ के प्रदर्शन पर टिकी रहने वाली है। वहीं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी किसी से कम नहीं है। बता दें कि वो वर्ल्ड कप के आगाज से पहले वार्म अप मैचों में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी लय जाहिर कर चुके हैं। हालांकि बाबर पहली बार भारत आए, ऐसे में हर कोई उनकी बैटिंग देखना चाह रहा है। बाबर जिस फॉर्म में है उसे देखते हुए हर कोई कह रहा है कि वह विश्व कप में 3 से 4 शतक आसानी से लगा सकते हैं। इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी कहे जाने वाले बेन स्टोक्स ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपने संन्यास पर यूटर्न लिया है। स्टोक्स इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए 4 नंबर पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। उनका भारतीय पिचों से करीबी रिश्ता रहा है और काफी अच्छा अनुभव भी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हर किसी की नजरें बेन स्टोक्स के प्रदर्शन पर रहने वाली है। और भैया बात अगर विराट कोहली की करें तो 2023 एशिया कप में वो अपना फॉर्म का सबूत दे चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विराट का शतक सालों तक याद रखा जाएगा। बता दें कि विराट वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।